Hey first class, how are you kids? I hope you all are safe at home. Welcome to my English class. Today I am going to start chapter 5th of your English grammar book. जो आपकी English grammar book है उसका chapter 5th में आज start करने वाले हो. Okay? In last video I teached you chapter 4. जो आपका chapter 4 है वो मैंने आपको explain किया था. I hope कि आपको समझ में आ गया. Okay? It's grammar बहुत ही necessary है English subject में. Okay? So you have to concentrate on this ग्रामर सेशन. ओके, आपको ये जो ग्रामर के सेशन है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करने की बहुत ज़रूरत है. ओके, सो ये वी स्टार्ट आर फिफ्थ चैप्टर, एडजेक्टिव्स. सो देखिए, एडजेक्टिव्स मीन्स, आप सोचेंगे कि एडजेक्टिव्स मीन्स क्या होते हैं. तो किड्स, आपको इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. एडजेक्टिव्स मीन्स क्या होता है? विशेषण, ठीक है ना. विशेषण मीन्स क्या होता है कि जो भी किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी जानवर, किसी भी पक्षी या किसी भी चीज़ की जो विशेषता दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण. तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अ विशेषण. एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट शोज स्पेशलिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग. मतलब किसी भी चीज़ की स्पेशलिटी बताता है, किसी भी चीज़ की विशेषता बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मीन्स विशेषण. अब देखिए, जैसे बॉल है, लेकिन हमें क्या पता बॉल कैसा है, तो हम क्या बोलेंगे? राउंड बॉल, कलरफुल बॉल, राउंड बॉल. तो राउंड क्या हो गया? एडजेक्टिव. जैसे गर्ल है तो हम क्या बोलेंगे? ब्रिलियंट गर्ल, क्यूट गर्ल, प्रिटी गर्ल. तो ब्रिलियंट, क्यूट, ये सब क्या हो गया? विशेषण. मतलब उसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है ना. और वैसे ही जैसे कोई जानवर है तो लायन बोलेंगे हम, तो क्या बोलेंगे हम? किंग लायन, मतलब राजा. लायन क्या बोलते हैं? राजा. और फास्ट लेपर्ड, फास्ट मतलब लेपर्ड कैसे होता है? फास्ट चीता, एकदम फास्ट भागता है, तो फास्ट लेपर्ड. और जैसे कोई बर्ड है, जैसे पिकॉक है तो ब्यूटीफुल पिकॉक, ब्लैक क्रो. ओके, स्पैरो, कलरफुल स्पैरो, मतलब रंग बिरंगी चिड़िया. तो ये कलरफुल, ब्लैक, फास्ट, ये सब क्या होता है? एडजेक्टिव. मतलब उस चीज़ की हमें विशेषता बताता है. जैसे बुक है तो क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर बुक. ओके, बॉक्स है तो हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बॉक्स या स्क्वायर बॉक्स. ठीक है, विंडो है, डोर है, तो ब्लैक विंडो, ब्राउन डोर. मतलब ऐसे हमें बताते हैं कि उस चीज़ की में क्या स्पेशल है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. ओके किड्स, तो आइए हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव. तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको? वर्क इन पेयर्स, लुक एट द पिक्चर्स, देन चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच पिक्चर. मतलब देखिए यहाँ पे आपको जोड़ी में काम करना है, आपको दोनों पिक्चर को देखना है. ओके, और आपको फिर करेक्ट वर्ड चूज करना है फॉर ईच पिक्चर. मतलब एक पिक्चर के लिए आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है. जैसे ये पिक्चर ए है और ये पिक्चर बी, तो पिक्चर ए है तो इसमें कौन सा कलर है? ग्रीन है, तो यहाँ पे ग्रीन पे हम अंडरलाइन कर सकते हैं. पिक्चर बी है, ये रेड है, तो रेड पे. अब देखो पिक्चर ए स्मॉल या बिग? स्मॉल में मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा, तो स्मॉल है और ये बिग है मतलब बड़ा. राउंड या स्क्वायर? तो ये राउंड शेप का है थोड़ा, है ना, और ये थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर शेप आ रहा है. देखिए आप उसको, ये प्रॉपर ऐसे राउंड नहीं है, थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर शेप आ रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर. स्वीट एंड श्योर, सॉर, तो स्वीट एंड श्योर मतलब मीठा या थोड़ा सा खट्टा. तो ग्रीन जो एप्पल होता है किड्स, आपने अगर खाया होगा तो आपको पता होगा कि ग्रीन एप्पल जो होता है वो थोड़ा सा टेस्ट में खट्टा होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सॉर. और ये जो रेड एप्पल होता है वो स्वीट होता है, यहाँ पे स्वीट. स्मूथ और रफ, तो ये ग्रीन एप्पल होता है वो थोड़ा सा रफ होता है, मतलब खाने में थोड़ा सा रफ होता है, और जो ये रेड एप्पल होता है वो एकदम स्मूथ होता है खाने में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्मूथ. ओके, आई होप किड्स के आपको समझ में आ गया हो. अब देखिए यहाँ पे, लेट अस लर्न अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कॉल्ड एडजेक्टिव्स. मतलब आइए हम उन वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं जो चीज़ों को दर्शाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण. जैसे किसी भी चीज़ डिस्क्राइब करना मीन्स क्या होता है? दर्शाना. मीन्स किसी भी चीज़ को दर्शाते हैं, जो भी वर्ड मतलब जो शब्द किसी चीज़ को दर्शाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव. एंड एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन. मतलब जो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, वो नाउन को, यानी एक संज्ञा होती है. नाउन आपको पता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और बर्ड और थिंग. मतलब किसी भी इंसान, व्यक्ति का नाम उसे दर्शाता है, डिस्क्राइब मीन्स दर्शाता है, तो उसे हम विशेषण कहते हैं. दिस मीन्स दैट एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग. इट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन. तो देखिए किड्स, ये डेफिनेशन है एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव, देखिए यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग. मतलब जो एक विशेषण होता है वो इंसान, जगह, जानवर,
पक्षी या चीज को दर्शाता है, मतलब उसके बारे में हमें ज्यादा बताता है. जैसे इट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन, मतलब हमें कुछ उसके बारे में ज्यादा बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव. लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द टेबल टू सी हाउ एडजेक्टिव्स आर यूज, मतलब यही हाईलाइटेड जो वर्ड्स है उसे आप देखिए और देखिए कि एडजेक्टिव कैसे यूज होते हैं. ओके तो देखिए, जैसे बॉय तो है बट बॉय कैसे, हैप्पी बॉय, मतलब बॉय है खुश है, तो हैप्पी उसकी क्या दिखा रहा है, विशेषता दिखा रहा है. तो इसकी जगह पैसे भी हो सकते हैं, सैड बॉय, ब्रिलियंट बॉय, क्यूट बॉय, हैंडसम बॉय, ठीक है ना, राउंड फेस बॉय, मतलब जिसका गोल चेहरा है वैसा बॉय. ओके तो इसकी जगह पे हम कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, ठीक है. उसकी जगह पे एडजेक्टिव नंबर्स में भी होते हैं, जैसे आप 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स भी यूज कर सकते हो, सम, फ्यू, ऐसे नंबर्स भी आप उसके लिए यूज कर सकते हो, उसको भी आप एडजेक्टिव ही कह सकते हो. जैसे सम बॉयज, 1 boy, 2 boys ऐसे आप यूज कर सकते हो. व्हाइट शर्ट, शर्ट तो है बट कैसी है, व्हाइट, इसकी जगह पे आप ब्लैक, ब्लू, येलो, कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हो. बिग बॉय, बिग की जगह टॉल, शॉर्ट, कोई भी यूज कर सकते हो. टेस्टी फूड, काइंड बॉय, काइंड मीन्स दयालु. प्रिटी गर्ल, मतलब सुंदर लड़की. ब्लैक ट्राउजर्स, पिंक ड्रेस, स्मॉल बेबी, टॉल ट्री, स्वीट एप्पल, सौ ग्रेप्स. तो देखिए इसमें आप, आपके ये जो एग्जाम्पल्स है किड्स, तो ये भी आपको यू हैव टू राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक, मतलब आपकी नोटबुक में आपको ये राइट डाउन करने हैं एग्जाम्पल्स और लर्न भी करने हैं किड्स उसको. ओके दिस इज़ योर टूडेज होमवर्क. और आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी लिखनी है किड्स, जो मैंने आपको बताई थी, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग. इट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन, ठीक है ना. या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज अ स्पेशलिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग, ठीक है ना. ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो. तो देखिए इसके एग्जांपल्स भी आपको लिखने हैं किड्स और आपको लर्न भी करने हैं. ओके यू हैव टू राइट एंड लर्न. अब देखिए गुड चाइल्ड, चाइल्ड तो है बट कैसा चाइल्ड है, गुड, टाइडी रूम, ग्रीन एप्पल, रेड चेरीज, नैरो स्ट्रीट. नैरो मतलब क्या होता है, संकरी, जैसे गलियाँ जो होती है संकरी गलियाँ होती है, मतलब एक तो होता है वाइड, वाइड मतलब चौड़ी, और एक होता है संकरी, तो जो एकदम पतली पतली गलियाँ होती है छोटी छोटी, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं नैरो स्ट्रीट. राउंड फेस, बिटर, बिटर मीन्स क्या होता है, कड़वा, जैसे मेडिसिन, दवाइयाँ आपने आई होप किड्स किसी ने कभी ना कभी खाई होगी. ओके तो मेडिसिन आपने देखो कि उसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर, तो बिटर मीन्स क्या होता है कि कड़वी. डिलीशियस केक, डिलीशियस मीन्स क्या होता है, स्वादिष्ट, मतलब कोई भी चीज़ स्वादिष्ट होती तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिलीशियस. तो अब देखिए यहाँ पे मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स टू द पिक्चर्स अराउंड इट, द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, मतलब देखिए यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसे हम मैच करना है, इससे आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं. तो देखिए अब देखिए राउंड फेस, मतलब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है बर्ड है तो इसका राउंड फेस है. स्मॉल कप, तो स्मॉल कप किधर है, आप देखिए किड्स यहाँ पे स्मॉल कप ये रहा. ओके तो इसके हम मैच करेंगे. बिग बैग, बिग बैग ये रहा. कर्ली हेयर, तो कर्ली हेयर किधर है किड्स, ये रहा देखिए बॉय के कर्ली हेयर है. पिंक कैप, तो पिंक कैप ऊपर, उधर ऊपर है तो इसे मैच करेंगे हम. लार्ज कप, अब लार्ज कप कहाँ है, ये रहा तो इसे मैच करेंगे हम. अब टॉल ट्रीज, टॉल ट्रीज मतलब ऊंची, जो ऊंचे पेड़ है वो किधर है, ये रहे इससे मैच करेंगे. ग्रीन पैरट, ग्रीन पैरट किधर है, ये रहा इससे मैच करेंगे. किड्स स्क्रीन छोटी है इसलिए आपको मैच करने में मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, बट आप देखिए ये देखिए यहाँ पे स्मॉल पप, पप कहाँ है, ये रहा तो इससे मैच. पप मतलब डॉग का बेबी. और देखिए यहाँ पे बिग बैग आपको फाइंड आउट करना है, उसे मैच करना है. कर्ली हेयर, पिंक कैप, लार्ज कप, डार्क क्लाउड्स, तो डार्क क्लाउड्स देखिए कहाँ पे, ये रे ब्लू शर्ट, ये रे ग्रीन पैरेट जो है वो कहाँ पे, ऊपर है यहाँ पे, तो उसके साथ मैच करेंगे किड्स. और देखिए टॉल ट्रीज, टॉल ट्रीज मतलब ये रही ऊंचे पेड़. हैप्पी मैन मतलब खुश आदमी कहाँ है, ये रहा देखिए स्माइल कर रहा है, तो इसके साथ मैच करेंगे हम. उसके बाद राइट पापाया, तो पापाया किधर है, ये रहा तो इसके साथ मैच करेंगे. ओके तो देखिए किड्स यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, जैसे कि जो बोल्ड वर्ड्स है मतलब डार्क वर्ड्स है, जैसे ये गहरे जो अक्षर है मतलब ब्लैक कलर में, तो वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव. फेस तो है बट कैसा है, राउंड मतलब गोल, इसकी जगह पे स्क्वायर फेस, ओवल फेस, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो. स्मॉल पप, स्मॉल की जगह बिग, बिग भी यूज़ कर सकते हो. टॉल यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट यूज़ कर सकते हो. बिग बैग, स्मॉल बैग भी यूज़ कर, कर्ली, स्ट्रेट,
पिंक कैप, तो पिंक की जगह आप कौन सा भी कलर यूज कर सकते हो, ब्लैक, येलो, ठीक है ना। तो वो सब क्या होता है, एडजेक्टिव, मतलब उस चीज के बारे में हमें ज्यादा बताते हैं, ठीक है ना। लार्ज कप मतलब बड़ा कप, तो लार्ज की जगह आप बिग कप भी यूज कर सकते हो, वाइट कप भी यूज कर सकते हो। ब्लू शर्ट, ब्लू की जगह आप कौन सा भी कलर यूज कर सकते हो, डार्क क्लाउड्स, व्हाइट क्लाउड्स भी आप यूज कर सकते हो। ओके, ग्रीन पैरट, टॉल ट्रीज, हैप्पी मैन, राइट पपैया। अब देखिए किड्स, तो ये जो जितने भी वर्ड्स हमने देखे वो क्या है, एडजेक्टिव, मतलब उस चीज के बारे में हमें ज्यादा बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्कल द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंस इज द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, मतलब आपको सर्कल करना है एडजेक्टिव पे। तो देखिए, द हेयर इज अ लार्ज रैबिट, मतलब जो हेयर होता है, हेयर का मतलब ही होता है बड़ा खरगोश। तो आपने द हेयर एंड टॉर्टोइज की स्टोरी सुनी होगी किड्स, तो हेयर और टॉर्टोइज, तो हेयर मतलब ही बड़ा खरगोश होता है, तो हेयर मतलब बड़ा खरगोश इज अ लार्ज रैबिट, तो हेयर को हम बड़ा खरगोश भी कहते हैं। तो लार्ज क्या है, एग्जैक्टली, तो उस पर हम सर्कल करेंगे। रैबिट तो है बट कैसा रैबिट है, लार्ज, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्जैक्टिव। एंट्स आर टाइनी इंसेक्ट्स, मतलब जो कीड़ी होती है वो छोटे इंसेक्ट होती है, मतलब छोटे जंतु होते हैं, तो इंसेक्ट तो है बट कैसा इंसेक्ट है, तो टाइनी मतलब छोटा। दीपा इज अ लेजी गर्ल, गर्ल तो है बट कैसी है, लेजी है, सुस्त है, तो उस पर सर्कल करेंगे। मिडास वॉज अ रिच किंग, मतलब मिडास एक अमीर राजा था, तो राजा तो था बट कैसा राजा था, अमीर, तो अमीर क्या हो गया, रिच, रिच क्या हो गया, एडजेक्टिव। आई डोंट लाइक अ डार्क रूम, मतलब मुझे डार्क रूम पसंद नहीं है, मतलब अंधेरा कमरा मुझे पसंद नहीं, क्या नहीं पसंद, कमरा नहीं पसंद, बट कैसा कमरा, अंधेरा, तो अंधेरा जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो डार्क क्या हो गया, एडजेक्टिव, तो उस पर हम सर्कल करेंगे। एलेक्स हैड अ ब्लैक हॉर्स, एलेक्स के पास कौन सा घोड़ा है, ब्लैक, घोड़ा तो है बट घोड़े अलग अलग कलर के होते, ब्राउन, व्हाइट, तो बट उसके पास कौन सा है, ब्लैक। सुप्रीत इज अ गुड बॉय, मतलब सुप्रीत जो है अच्छा लड़का है, तो बॉय तो है पर कैसा, गुड। द चार मीनार इज अ टॉल मॉन्यूमेंट, मतलब चार मीनार है वो ऊंची इमारत है। मॉन्यूमेंट मीन्स क्या होता है किड्स, मैंने आपको ग्रामर के सेशन में बताया हुआ, मॉन्यूमेंट मीन्स क्या होता है कि जो भी जो पुरानी इमारतें होती है, ठीक है ना, जो पुरानी फेमस बिल्डिंग्स या फेमस जो इमारतें होती हैं उसे हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, जैसे कि लाल किला हो गया, जैसे कि है ना रेड रेड फोर्ट, लाल किले को इंग्लिश में बोलते हैं रेड फोर्ट, जैसे ताजमहल हो गया आगरा का, ठीक है ना, और ऐसी सारी जो चीज़ें होती है जो फेमस होती है, ठीक है ना, जिसको लोग विजिट करने जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट। जो चार मीनार इज अ टॉल मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट तो है बट कैसा, ऊंचा, तो टॉल पे हम सर्कल करेंगे। वी बॉट अ बिग बास्केट ऑफ राइप ऑरेंजेस, अब देखिए यहाँ पे किड्स, वी बॉट अ बिग बास्केट, बास्केट तो कैसे है पर कैसी है, बिग मतलब बड़ी है, तो बिग पे हम सर्कल करेंगे। और राइप ऑरेंजेस, ऑरेंजेस मीन्स संतरे, तो संतरे कैसे हमने खरीदे, राइप मतलब मीठे, तो उस पर हम सर्कल करेंगे। ओके, वी बॉट अ बिग बास्केट ऑफ राइप ऑरेंजेस। 100 grapes अफेक्ट द थ्रॉट, थ्रॉट मीन्स क्या होता है, गला, जो आपका गला होता है, तो 100 grapes यानी जो खट्टे अंगूर होते हैं वो आपके गले को इफेक्ट करते हैं, मतलब नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो ग्रेप्स तो है बट कैसे, 100, तो उस पर हम सर्कल करेंगे। ओके, तो किड्स आपने देखा होगा कि जितने भी आपने सर्कल किए वो क्या है, एडजेक्टिव, मतलब उस चीज़ के बारे में, जैसे नाउन के पहले अगर कोई वर्ड यूज़ किया हुआ है, जैसे कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है, जैसे साइज, कलर या नंबर, ठीक है ना, या उसकी क्वालिटी, ठीक है, इसके बारे में दर्शाता है वो, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव। जैसे उसके उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है कि वो कैसा है, ठीक है ना, जैसे कि भी लेजी है, ब्रिलियंट है, हैंडसम है, तो वो सब उसकी क्वालिटीज़ हो गई, उसके बारे में दर्शाता है, तो हम क्या बोलेंगे, क्वालिटीज़। और उसकी साइज़, जैसे बिग, स्मॉल, लार्ज, टॉल, शॉर्ट, तो ये सब साइज़ अगर दर्शाता है तो वो साइज़, तो वो भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। नंबर दर्शाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, सम, फ्यू, लिटल, ये सब दर्शाते हैं, तो वो नंबर्स हो गए, और वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। और कलर, कलर जैसे रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, तो कलर हमें दर्शाता है, तो वो भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ठीक है, आपको ये चीज़ देखना है कि साइज, नंबर, क्वालिटी और साइज, नंबर, क्वालिटी और कलर। ओके किड्स, अब देखिए यहाँ पे, पुट अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट पिक्चर्स, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, मतलब देखिए यहाँ पे जो, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे आपका जो उसको
उस चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पिक्चर को राइट टिक करना है। जैसे ब्राउन शू, तो ब्राउन शू पे आप राइट टिक करेंगे। उसके बाद बिग हाउस, अब देखिए दोनों में से बिग हाउस कौन सा है, तो ये तो स्मॉल है, ये है बिग, तो बिग पे आप राइट करेंगे। अब देखिए इसमें ब्राउन शू, तो इसमें क्या दिखाया, कलर दिखाया है, और इसमें बिग हाउस, तो बिग क्या है, साइज है, ठीक है ना, तो ये इसमें तो कलर हो गया, ये साइज हो गई। उसके बाद टाइनी इंसेक्ट, मतलब छोटा इंसेक्ट, तो छोटा ये तो थोड़ा बड़ा है, ये है छोटा टाइनी, तो टाइनी भी क्या हो गया, एक साइज, तो इस पर हम राइट टिक करेंगे। हैप्पी चाइल्ड, तो हैप्पी मतलब उसकी क्वालिटी दर्शा रहा है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, तो हैप्पी दोनों में से ये हैप्पी है, तो सैड है। हॉट ड्रिंक, हॉट मतलब गर्म, तो गर्म देखिए दोनों में से क्या है, ये तो कोल्ड है, तो इस पर हम राइट टिक करेंगे। बिटर फूड, बिटर फूड मीन्स कड़वा खाना, तो ये तो देखिए ये तो स्वीट है, मतलब लड्डू है, आपने खाए होंगे सबने, कितने मीठे मीठे होते हैं, उसको तो हम क्या बोलेंगे, स्वीट फूड, और ये है बिटर फूड, तो इस पर हम राइट टिक करेंगे। टॉल ट्रीज, टॉल ट्रीज मतलब ऊंचे पेड़, तो ये तो देखिए शॉर्ट है, ये टॉल है, तो इस पर हम राइट टिक करेंगे। ये भी एडजेक्टिव, वेट फ्लोर, वेट फ्लोर मतलब गीला फर्श, तो ये तो देखिए सूखा है, और यहाँ पे ये आदमी पोछा लगा रहा है, तो ये ऑब्वियसली गीला होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट फ्लोर। डार्क रूम, अब दोनों में से डार्क रूम देखिए, ये तो लाइट इधर चल रही हो रही है, डार्क रूम है मतलब अंधेरा कमरा है, तो इस पर राइट टिक करेंगे। ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर मतलब क्या होता है, वाइट हेयर, यू कैन ऑल्सो कॉल वाइट हेयर, मतलब जो जिसके ग्रे हेयर मतलब वाइट हेयर होते हैं, तो वाइट हेयर किसके हैं, इसके, इन लेडी के हैं, तो इस पर हम राइट टिक करेंगे, इसके तो ब्लैक हैं। ओके किड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो किड्स। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, देन फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, डिस्क्राइब द रूम, द फर्स्ट वन इज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये रूम को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स दिए हुए, तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हुए आपको वो फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। जैसे कि देखिए, देर इज अ बिग डोर, मतलब बड़ा सा दरवाज़ा है, ठीक है ना, वहाँ पे बड़ा सा दरवाज़ा है। देर इज अ डैश विंडो, अब देखिए विंडो कैसी है, स्मॉल है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल, तो स्मॉल की स्पेलिंग ये रही, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल। देर इज अ डैश प्लांट इन अ कॉर्नर, अब प्लांट कैसे टॉल है मतलब ऊंचा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टॉल, ये रही टॉल की स्पेलिंग, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टॉल। ओके, देर आर डैश फ्लावर्स ऑन द प्लांट, अब देखिए फ्लावर्स कौन से, पिंक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पिंक, पिंक फ्लावर्स ऑन द प्लांट। देर इज अ डैश बटरफ्लाई ओवर द फ्लावर, मतलब कैसी बटरफ्लाई, क्यूट, क्यूट या ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो, दोनों में से आप कुछ लिख सकते हो, ब्यूटीफुल सुंदर भी लिख सकते हो, तो सुंदर आप लिख लेना, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई ऑन ओवर द फ्लावर, मतलब फूलों के ऊपर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है। देर इज अ डैश टेबल नियर द वॉल, अब टेबल कौन सा है, ब्राउन कलर का है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्राउन। देर इज अ ब्राउन टेबल नियर द वॉल, मतलब दीवार के पास ब्राउन कलर का टेबल पड़ा है। देर इज अ डैश पप्पी अंडर द टेबल, मतलब क्यूट पप्पी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यूट, ये रही क्यूट की स्पेलिंग, तो यहाँ पे सारी स्पेलिंग किट्स दी हुई आपको देख देख के लिखनी है, तो आप क्यूट क्या लिखोगे, क्यूट, क्यूट मतलब एक बहुत प्यारा पप्पी टेबल के नीचे है, अंडर मतलब नीचे है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है अपने को किट्स, राइट द करेक्ट एडजेक्टिव्स ऑन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई उसमें आपको यहाँ से देख के करेक्ट एडजेक्टिव्स लिखने हैं। तो देखिए वी रीड अ डैश स्टोरी, मतलब हम कैसी स्टोरी पढ़ते हैं, तो हैप्पी के टेस्टी, तो टेस्टी स्टोरी तो हो नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे, हैप्पी, वी रीड अ हैप्पी स्टोरी, मतलब हम अच्छी स्टोरी, खुश स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं। द बटरफ्लाई इज अ डैश इंसेक्ट, तो हैवी के प्रिटी, तो बटरफ्लाई हैवी तो होता नहीं, हैवी मतलब भारी तो होता नहीं है, प्रिटी होता है मतलब सुंदर होता है, तो सुंदर इंसेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिटी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रिटी। ओके किड्स, अब यहाँ पे देखिए द फ्लोर वॉज डैश आफ्टर द रेन, मतलब जो फ्लोर होता है यानी जो रूम होता है, फ्लोर यानी फर्श होता है, वो रेन के बाद यानी बारिश के बाद कैसा होता है, तो लॉन्ग यानी बड़ा तो हो नहीं जाता, वो वेट होता है, वेट मतलब गीला होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट। आई लव आइसक्रीम, इट इज़ अ डैश, मतलब मुझे आइसक्रीम पसंद है, वो कैसी होती है, तो लेजी तो हो नहीं सकती, लेजी मतलब क्या होता है, सुस्त, तो सुस्त तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिलीशियस, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट होती है आइसक्रीम। गिरीश कैरीज अ डैश बैग टू स्कूल, मतलब गिरीश कैसा बैग उठा के जाता है स्कूल में, सैड या हैवी, तो सैड बैग तो हो ही नहीं सकता, उदास बैग कैसे लेके जाएगा, बैग तो एक थिंग है, तो उसका सैड है भी तो हो नहीं सकता, इमोशन होते है नहीं है उसमें, तो क्या लिखेंगे हम, हैवी, मतलब गिरीश कैरीज अ हैवी बैग टू स्कूल।
भारी बैग उठा के जाता है। अली इज वियरिंग अ डैश शर्ट, न्यू या टॉल। अब ऊंची शर्ट तो हो नहीं सकती, टॉल मतलब ऊंचा, तो उसने न्यू शर्ट पहनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू। अली इज वियरिंग अ न्यू शर्ट, मतलब उसने न्यू शर्ट पहनी है। वी मस्ट ईट डैश फूड, मतलब हमें हमेशा कैसा खाना खाना चाहिए, गुड या हैप्पी। तो हैप्पी खाना तो होता नहीं है, क्योंकि खाना भी एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके भी कोई इमोशन तो होते नहीं है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम, गुड, हमें हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए। द जिराफ इज अ टॉल या न्यू एनिमल, तो न्यू एनिमल तो हो नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे हम, टॉल। कैसा एनिमल होता है वो, टॉल मतलब ऊंचा एनिमल होता है। मंकीज हैव अ डैश टेल, मतलब मंकी जो होते हैं उनके पास कैसी टेल होती है, लॉन्ग या बिग। तो बिग मतलब क्या होता है, साइज में बड़ा, और लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबाई में बड़ा, ठीक है ना। तो बिग मतलब साइज में, तो साइज में तो उसकी पूंछ ऐसे बड़ी नहीं होती, मतलब ऐसे होती है ना उसकी पूंछ, ऐसे ऐसे तो नहीं होती, ऐसे 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 इतनी बड़ी तो नहीं होती, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मंकीज हैव अ लॉन्ग टेल, मतलब उसके पास लंबी पूंछ है, लॉन्ग मतलब लंबी और बिग मतलब बड़ी, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। बिग साइज के अकॉर्डिंग हम रिफर करते हैं, जैसे कि बिग क्या होता है, बड़ा, और लॉन्ग मतलब लंबा। माई मदर बॉट अ डैश कार, मतलब मेरी मम्मी ने कैसी कार खरीदी, सैड या रेड। तो सैड मीन्स उदास, तो उदास कार तो कैसे खरीद सकते, कार भी नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे क्या है, रेड। माई मदर बॉट अ रेड कार, मतलब मेरी मम्मी ने रेड कार खरीदी। अब देखिए समरी, समरी मीन्स हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, तो हम शॉर्ट में सीख लेते हैं। तो देखिए किड्स, यहाँ पे भी आपको ये डेफिनेशन दी हुई है। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स, दे टेल अस समथिंग मोर अबाउट पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग्स। मतलब देखिए ये भी ना एडजेक्टिव की डेफिनेशन है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मीन्स नाउन को दर्शाते हैं, और वो हमें किसी भी व्यक्ति या इंसान, किसी भी जगह, स्थान, जगह या स्थान, या किसी जानवर, पक्षी या किसी चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा बताते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स, विशेषण। तो एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट शोज अ स्पेशलिटी ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग, दैट शो स्पेशल, मतलब दैट एडजेक्टिव टेल्स समथिंग अबाउट, समथिंग मोर अबाउट पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग, मतलब उस चीज़ के बारे में, उस मतलब उस चीज़ की विशेषता जो दर्शाता है। आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं किड्स, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी चीज़ की विशेषता जो दर्शाता है, मतलब किसी भी चीज़ की स्पेशलिटी हमें दिखाता है, तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। अ वर्ड दैट शोज स्पेशलिटी ऑफ अ पर्सन, एनिमल, बर्ड और थिंग इज अ एडजेक्टिव। तो आप डेफिनेशन कोई भी लिख सकते हो, ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो जो आगे मैंने बताई, वो वाली डेफिनेशन लिख सकते हो, ओके किड्स। सो दिस इज योर टुडेज होमवर्क, यू हैव टू लर्न एंड राइट डाउन एडजेक्टिव्स डेफिनेशन इन योर नोटबुक, ओके। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो किड्स, कितना ईजी चैप्टर है। देखिए आपको पता चलता है कि जैसे आपके फादर है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, यंग फादर, ब्यूटीफुल फादर, हैंडसम फादर, ठीक है ना, ऐसे बोलोगे। और आपकी मदर है तो आप क्या बोलोगे, प्रीटी मदर, प्रीटी क्या बोलते, सिस्टर, प्रीटी माय, जो आपकी आंटी है, प्रीटी आंटी, तो आप ऐसे बोलोगे उनको दर्शाने के लिए। और आपका भाई है छोटा, तो नोटी ब्रदर, मतलब बहुत शैतान है, ठीक है ना, बहुत शांत है, तो काम ब्रदर, क्वाइट ब्रदर, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप उनको दर्शा सकते हो, ठीक है ना। आप उनको दर्शाने के लिए जो वर्ड यूज करते हो, ठीक है ना, उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो आप वर्ड यूज करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स। जैसे कि देखिए आपके घर में जो लोग रहते हैं, आपके ग्रैंडफादर है, तो आप उनको क्या बोलोगे, ओल्ड ग्रैंडफादर, मतलब बूढ़े हो चुके हैं वो, ठीक है ना, तो उनको क्या बोलोगे, ओल्ड ग्रैंडफादर, ओल्ड ग्रैंडमदर, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप उनको दर्शा सकते हो। जैसे आपके स्कूल में टीचर है, तो आपको पसंद है कोई टीचर, तो आप उनको क्या बोलोगे, प्रीटी टीचर, मतलब ब्यूटीफुल टीचर, ऐसे करके। आपके स्कूल में आपका कोई फ्रेंड है, आपको वो पसंद है, तो उसका फेस राउंड है, तो क्या बोलोगे, राउंड फेस। और पेंसिल है, अगर आप उसे पेंसिल लेते हो, इरेजर लेते हो, तो इरेजर के साथ स्क्वायर होता है, कलर बॉक्स होता है, कलर बॉक्स भी कैसा होता है, स्क्वायर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो चीज़ को दर्शाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो द एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट शोज अ स्पेशलिटी ऑफ अ
समथिंग मतलब कुछ किसी के भी बारे में स्पेशल बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव। आई होप किड्स कि आपको समझ में आ गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज डोंट बॉदर टू आस्क मी। ओके वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर 6। टिल देन स्टे सेफ। बाय बाय। थैंक यू सो मच।